एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक हो गए। और मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना मिस करते हो। थैंक्स अ लॉट जो लोग मेरे सब्सक्राइबर इतने ऑनेस्ट हैं मेरे साथ और बहुत लॉयल हैं और मतलब कि बहुत क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे ये बोलता है कि यार आप, हम आपको मिस कर रहे हैं, या मुझे कोई मतलब रिक्वेस्ट करता है या मुझे पहचानता है, रिकनाइज करता है। आई रियली लव्ड इट। और मुझे ये चीज़ भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार हम ना आपकी वीडियोज़ देखते हैं और हमने आपको कहीं देखा है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मुझे हो रही हैं, तो आई लव्ड इट। एनीवेज, व्लॉग स्टार्ट क्या है मैंने, आज है मंडे और मैंने संडे तक का आई थिंक व्लॉग पोस्ट कर दिया था। मैंने उसके बाद इतना कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मैं खुद बिजी थी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होती। और यार हर कोई लड़की, उसको पता होगा कि वो अपने घरेलू मामलात में, घरेलू चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो व्लॉग का टाइम निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट या ये तो मुझे अच्छा लगता है व्लॉग करना और आप लोगों को भी अच्छा लगता है और आप लोग मुझे मिस भी करते हो। तो जो है आजकल ना मेरे इंटरेस्ट जो है ना चेंज हुए हैं। एक्चुअली मेरे साथ ना कुछ ये सीन होता है कि कभी मेरा कुछ और करने का दिल चाहता है, कभी मुझे कुछ पसंद आता है, कभी मेरा कुछ क्रिएटिव करने का दिल चाहता है, कभी मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, कभी मुझे सिर्फ ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कपड़े बनाना अच्छे लगते हैं या मुझे आर्ट करना अच्छा लगता है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए ना मुझे शौक उठता है, जैसे मुझे कुकिंग करने का शौक उठता है, बेकिंग का तो मुझे एकदम क्रेज़ हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में ही फुस हो जाता है मेरा। लेकिन कुकिंग तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। बट मुझे आजकल एक और शौक उठा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मुझे शौक हुआ हुआ है, वो जो मुझे शौक चढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल सर पे चढ़ा हुआ है बिल्कुल, तो वो शौक है मुझे ड्राइंग का, लाइक पेंटिंग करने का मुझे बहुत शौक है। तो मैंने जो है ना कैनवस मंगवाए हुए हैं अपनी वॉल पे लगाने के लिए, पेंटिंग करके मैं लगाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि कैनवस पे करने से पहले मैं जो है ना एक ड्राइंग बुक में कर देखती हूँ। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा सीन ये है कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है और मुझे पेंटिंग करनी आती भी है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं उसको डील कर लेती हूँ। लेकिन शादी को ऑलमोस्ट मेरे 8 महीने हो गए हैं और उससे पहले भी मुझे छोड़े हुए तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। मैंने कोई पेंटिंग नहीं की थी, कोई आर्ट वर्क नहीं किया था, कुछ क्रिएटिव करा ही नहीं था। तो मैंने कहा यार शायद मुझसे ना हो पाए, तो मैंने ना इनको बोला कि मुझे कलर दिला दो, ब्रशेस दिला दो, ड्राइंग बुक, पेंसिल, स्केचिंग वगैरह के लिए सब चीज़ें दिला दो। तो इन्होंने मुझे दिला दिया था बेसिक सी चीज़ें। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पेंटिंग में किया है। और या है ना, ये जो है ना ब्रशेस हैं मेरे, ये इस तरीके के फ्लैट ब्रशेस आए थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ये मुझे जो है ना पोस्टर कलर के साथ ही मिले थे। बाय द वे ये मैंने दराज से मंगवाए हैं, पोस्टर कलर इसमें काफ़ी अच्छे हैं बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। मुझे क्रैलिक कलर्स मंगवाने, बट मैंने ट्राई के लिए ये मंगवाया था। मैंने कहा ये ना मेरा शौक ख़त्म हो जाए, वो ऐसे ही पड़े रहें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। फिर मैंने जो है ये ड्राइंग बुक मंगवाई थी आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों वाला है, बट यार मेरा दिल चार था, टाइम भी पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले ही लीव बनाया था। आई डोंट नो मैंने क्यों बनाया था। उसके बाद ऐसे फ्लावर्स बनाए थे पहले, ये फर्स्ट डे के मैंने बेसिक बनाना शुरू किया था जब मुझे हैंडल नहीं करना आ रहे थे ब्रशेस। फिर उसके बाद मैंने ये पेंटिंग बनाई और फिर मैंने ये प्लांट्स की पेंटिंग बनाई। मुझे ना ग्रीन प्लांट्स बहुत आजकल अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई, ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी हद तक नीट बनी है अब उन पहले के बनिस्बत। और फिर उसके बाद मैंने एक ये वाली पेंटिंग बनाई, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और फिर मैंने अभी ये जो है बनाई है टेल फिश की, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद अभी मैंने और कुछ नहीं बनाया ये खाली, अब मैं कुछ और बनाऊँगी इसके ऊपर, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
यहाँ तक किए थी और ड्राइंग, और इसको अब ड्राई करने के लिए रखूँगी, फिर आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी। एंड इट्स अ नेक्स्ट डे। अच्छा, मैंने जो कल पेंटिंग बनाई थी ना, उसको मैंने लेट नाइट कम्प्लीट किया था, आधी करके छोड़ दी थी ड्राई होने के लिए, ताकि वो ड्राई हो जाए, उसके बाद आगे कोई काम करूँ। तो मैंने आपको वहाँ तक दिखाया था, फिर मैं सो गई थी, उसके बाद आपको नहीं दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कंप्लीट हो गई, किस तरीके से लग रही है पीकॉक वाली जो मैंने बनाई थी। और या और अभी अभी जो है ना, मैं सुबह उठी हूँ और मेरे घर एक मेहमान आए, दिखाऊं पिंपल पिंपल आ गया, पता नहीं कैसा, मतलब सडनली कल तक नहीं था, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे फील हुआ कि कुछ हुआ है। बट या ऐसी चल रही है लाइफ, अजीब सी। एनीवेज, अब मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ जो मैंने कल कंप्लीट की थी। पेंटिंग जो है कुछ इस तरीके की थी, मैंने इंस्पायर हो के जिस पिक्चर से मैंने बनाई ना, वो भी मैं आपको इस साइड पे लगा दूंगी कहीं। ये उसके बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन कुछ 30-40% तो मिल ही रही होगी। बट या मैंने ये बनाई है, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, ये बहुत क्यूट है ये। एनीवेज, अब नेक्स्ट जब बनाऊंगी तो आपको तब दिखाऊंगी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी नोज पिन जो है खो गई थी, तो मैंने उसकी जगह जो है ना दूसरी वेयर करी है। ये थोड़ी बड़ी है, आई डोंट नो मुझ पे कैसी लग रही है, आप मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो न्यू ट्राई करते हैं। मैं बहुत छोटी सी पहनती थी, तो मुझे सबने बोला दूसरी वाली पहनो जो थोड़ी बड़ी हो ना, तो दिखे। मैंने कहा अच्छा चलो देखती हूँ, लेकिन ना मुझे ये अपने फेस के ऊपर ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट सबने बोला है, तो चलो मैंने कहा कुछ टाइम तक पहन लेती हूँ। उस तरह की कोई न्यू नहीं लेके आती मैं, बट आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली कैसी लग रही है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है और ये दिख रही है, इट सीम्स लाइक दैट, ये फ्लावर बना हुआ है इसके ऊपर। और मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज आकर दिखा दिया आपको, सो सॉरी। तो यार बस अब जो है उठे थे, और मैंने सारा सफाई वफाई पहले ही कर ली थी, फिर मैंने कहा बाद में जो है आप लोगों से बात करूँगी। अब जो है मैं जा रही हूँ नीचे, और मिलते हैं अब थोड़ी देर में। मैंने जो है ना ये दो प्लांट्स लिए हैं, ये मुझे जो है मेरी सिस्टर ने दिए हैं, और उसने बोला है कि जो है ये तुम ले लो। आई डोंट नो कि मुझे क्यों प्लांट्स इतनी ऑब्सेशन हो रही है, आई डोंट नो ग्रीनरी। और यार मैं ना ख्वाब में भी ना रेगुलर बेसिस पे जो है ना प्लांट्स देख रही हूँ और पौधे, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत मुझे इस तरीके के ड्रीम्स भी आ रहे हैं। और ये प्लांट जो है अब ये थोड़ा सा ग्रो होना शुरू है, पिया के प्लांट में से मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो हमारे ससुराल से बहुत दूर है, तो मैं इतनी दूर लेकर नहीं आ सकती थी। फिर मैंने उसे बोला मुझे छोटा सा दे दो, ताकि बस वो बड़ा हो जाए तो मैं उसको ही रख लूँगी। तब इन्हें मुझे वो दिया था छोटा वाला प्लांट, बट आई लव्ड इट। क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे आप बताएं। कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, आप अभी हनी सिंह के बारे में क्या बोल रहे थे? हनी सिंह क्या बोलेगा अगर हम उसका गाना गाएंगे तो? बताओ, हमारा गाना सुन के क्या बोलेगा हनी सिंह, बताओ। भास्कर भाई। और तुम क्या बोलते हो? मेरा गाना सुन के कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी आवाज में ना दर्द है, लेकिन सर का। अच्छा, तुम्हें चीज दिलाने लेके जा रहे हो या नहीं? अभी तो। अच्छा, तुमने कितने की चीज़ दिलाओगे? 100 रुपये। 100? इतने ज़्यादा? क्या, अच्छा क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं 100 रुपये में? 100 रुपये में 2 स्पार्क चॉकलेट आ जाएंगी, 1 लेस आ जाएगा, और 1 जूस आ जाएगा। और दुकान तो नहीं आ जाएगी पूरी? नहीं नहीं, पूरी दुकान नहीं आएगी। दुकान तो पूरी 10 रुपये में आ जाएगी। 10 रुपये में? और बस 100 रुपये में यही आएगा? और 1-2 टिकट पापड़ आ जाएगी। तो ला के दो ना, तो ला कर दो, चीज़ दिल चाह रहा है। ड्रामा देखेंगे ना कुछ टीवी में, तो फिर खाएंगे। गाइए, सुनाइए अपनी सुरीली आवाज़ ज़रा, मेरे व्यूवर्स को भी सुनाइए, सुनाए अपनी बेस सुरीली आवाज़ ज़रा। यू आर बाथरूम सिंगर। अच्छा, कोई कुछ गाना, कुछ मेरी तारीफ में अर्ज़ कर दीजिए, एक दो शेर, कुछ शेयर हो जाए मेरी तारीफ में। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, ये क्या काम कर दिखाया। बहुत सस्ती आप कॉमेडी करते हैं, आपको पता है, बहुत सस्ती कॉमेडी करते हैं हम।
मुंह कैसा बनाया हुआ आपने, तुम इतने मासूम हो नहीं, तुम इतने मासूम हो नहीं डट्टी। चले यार अब साथ आप मुझे चीज़ ला दें, फिर जो है उस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर फैन की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कर दो, क्योंकि फैन मैंने अपने सामने ही चलाया हुआ, बहुत गर्मी लग रही थी, लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है तो मैं अपना पसीना वसीना सुखा रही हूँ, अब नहा धो के फ्रेश होंगी। और आप इतने में जाओ यार लेके आओ, टॉफी का एक पूरा पैकेट तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मुझे ना आजकल चॉकलेट अच्छी लग रही है और मैं एक स्पार्क चॉकलेट खाती हूँ, उसके अंदर ना कोकोनट होता है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गई हूँ, फेस वॉश कर लिया है। अच्छा जी, आजकल जो है ना आपकी स्किन बहुत जो है ड्राई हो रही होगी और डिहाइड्रेट हो रही होगी, तो उसके लिए जो है ना सॉरी उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे जो है रोज़ वाटर डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। ये है को नेचुरल का रोज़ वाटर, विच इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। अच्छा इसको जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपनी आईज क्लोज करके लगाना है, बिकॉज इट्स अ रोज टोनर, इट्स अ रोज वाटर टोनर, तो ये जो है ना आईज के अंदर अगर चला गया ना तो बहुत इरिटेट करने वाला है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना कि आईज में ना जाए, अदरवाइज ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और काफ़ी जो है ना आपकी जो स्किन है ना फुल ऑफ प्लम्प लगती है स्किन आपकी, जो है ना हाइड्रेटेड रहती है इसको यूज़ करने से। बाकी जो है मॉइस्चराइज़र के लिए तो आपको पता है कि मैं जॉनसन बेबी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो फेस है ना उसके ऊपर जो हैवी वाले जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना वो बहुत अजीब से ऑयली ऑयली लगने लग जाते हैं, जबकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं कोई लाइट फॉर्मूला वाले जो है ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अब सर्दी आएंगी तो अब देखो क्या यूज़ करूँगी, मैं हमेशा से निव्या की क्रीम यूज़ करती हूँ वो यूज़ करूँगी, बट अभी जो है ना पॉन्ड्स का जो आया है ना जेल क्रीम वो और एक लाइट टेक्सचर वाली जो क्रीम है वो दोनों मैं ट्राई करने वाली हूँ, इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर की हुई है, ऑन द वे है, जब आएंगी तो आपके साथ ज़रूर रिव्यू चेक शेयर करूँगी कि कौन सी बेस्ट है। और अब मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी खत्म हो गई है, सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखें साथ मेरे लिए चॉकलेट लेने के लिए गए हुए हैं, अब वो आएंगे तो फिर मैं खाऊंगी, पता नहीं क्यों रात में थोड़ा सा स्वीट खाने का दिल चाहता है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।